राम राम। दादी के घर में आपका स्वागत है। आज बनाऊंगा भरमा करेला। तो इवन करेला ने छील के ने और नमक मिला के धूप में धर देंगे। तो यहाँ का ये बीज और छिलका बाहर न डालांगा, ये यहाँ का भीतर डालांगा ये सारो। ये सारा करेला भीतर साफ कर दिया। और ये पक्का पक्का बीज से ये तो थोड़ा बहुत हटा देंगा। ये सब बीज से ये बीज तो काट देंगे। और फिर है ना कढ़ाई गरम करके ना अरों का मैं 2-3 मिनट थोड़ा थोड़ा घुमा देंगा। इवन नमक डाल दियो से करेला में और इवन ने सुखावना रख दिया से। तो इस धूप में 2 घंटा ये सूख लिया से। और इवन में 2 बार पानी गेर के ना अरे नमक को पानी काट दियो और न धो लिया। और ये ना थोड़ी कढ़ाई का मैं कढ़ाई गरम करके ना और 5-1 मिनट ना हल्को सो घुमा देंगे। तो फिर उसके बाद ना भून देंगे। ये भी हल्के हल्के आंच में थोड़ी देर अनको पानी खत्म कर ले। अन में तेल थोड़ो सो फालतू पड़ा है से भरमा करेला बनावा से। अन में बेसन बूंदा है, मसालो बूंदा है। यो ये इवन पानी खत्म होगो इवन तार देंगे। पूरी हम गेरांगा तेल बेसन और मसालो भूंदन खातर हम तेल डालांगा थोड़ो सो। मसालो भूंदन की तैयारी हो गई से।
पहले एक करेला का छिलका डाल दिया, प्याज और ऊपर से दो चम्मच गेरांगा बेसन की, बेसन भूंदांगा अनक में। वो करेला की सब्जी मेहनत बहुत ज्यादा लाग गए से, पर टेस्ट बनाए सही, सब्जी बहुत टेस्ट बनाए से, बना के देखो कितना टेस्ट आ रहा है सब्जी। और मसालों भी है को तो बहुत बढ़िया बना है। ये भी प्याज और करेला को छिल ऊपर को भूंद गो से, ये मैं 3 चम्मच बेसन डाल दी। ये 1 चम्मच नमक, आधे चम्मच नमक लगा ली सर, आधे चम्मच मिर्च गेर दी और आधे चम्मच हल्दी की और आधे चम्मच अजवाइन की और 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये चीज गेर दी मसाला में। यो साबुत धनियो तो अन्यो हाथ से मलील के मसल के गेर दियो। यो मसालो भी करेला के बीच में भर दें। आम चूरन डाल दियो से, 1 चम्मच आम चूरन और इवन मिला के ना मसाला में और भी करेला में भर देंगे और फिर बाद में ना धागा ते बांध देंगे। ये भी मसालों करेला में भरता रहा। ये भी सारा करेला भर के तैयार होगा से, ये बने धागा ते बांध दूंगी। ये सारा करेला भर के तैयार होगा से, धागा तो बांध दिया से और इबे मैं छूक लगावांगा। इबे डाल दियो तेल, तेल डाल दियो, ये भी गरम होगो और हम प्याज और जीरो डाल दियो से।
और ये इब गेर दिया करेला। हल्दी मिर्च ऊपर से कुछ भी नहीं है उसमें। तो ऐसे बनाने के बाद करेला कति बिल्कुल भी कड़ा ना रही है, चाहे बाला खाओ चाहे बूढ़ा खाओ, कति भी कड़वा को नहीं है। मसालों बचे हुए थे सारो यहाँ ऊपर डाल दियो, करेला भरिया ना जदि थोड़ा सा मसालो बच गो थो यो ऊपर डाल दियो। करेला की सब्जी बन के होगी तैयार।